नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार दोबारा हार्दिक स्वागत है हमारे onlyrb.com के इस यूट्यूब के वीडियो में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने प्रस्तुत है एक नया वीडियो लेकर के, जिसमें एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसके बारे में आयुर्वेद में क्या क्या कहा गया है इस बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, डिस्कशन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें, ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें और आपके साथ साथ आपके जो मित्रगण हैं वो भी इस चैनल का फ़ायदा ले सकें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंघी को लेकर के है। दोस्तों, बड़ी कॉमन सी चीज़ है, शायद हम कभी ध्यान भी नहीं देते हैं कि कौन सी कंघी, हमारे घर में कितनी कंघियाँ हैं, हम कैसी कंघी का प्रयोग कर रहे हैं और कौन सी कंघी का प्रयोग कर रहे हैं, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं पता हमें। हमें जो कंघी मार्केट में मिल गई, प्लास्टिक की मिल गई, कैसी मिल गई, हम उठा के ले आए और यूज़ करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इसी के बारे में हमारा आज का डिस्कशन है। आज से कई साल पहले हम देखते थे घरों में सिर्फ लकड़ी की कंघी का प्रयोग होता था, लेकिन आज हम मॉडर्न हो चुके हैं, हर एक चीज़ प्लास्टिक की है, सिर्फ एक इंसान प्लास्टिक के बनने बाकी है, बाकी सब कुछ बन चुका है। तो दोस्तों, कंघी भी कोई इसका अपवाद नहीं है, कंघी भी प्लास्टिक की मिलती है आजकल और हम वो खरीदना प्रेफर भी करते हैं, क्योंकि हल्की है, सस्ती है, टूटती नहीं है, टिकाऊ है वगैरह वगैरह। लेकिन इसके दोस्तों हमें क्या नुकसान है वो हमें पता भी नहीं लगते हैं। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं कि आयुर्वेद का इस बारे में क्या कहना है, लकड़ी की कंघी का क्या महत्व है और प्लास्टिक की कंघी का क्या नुकसान है, आइए देख। दोस्तों, दरअसल लकड़ी की कंघी से खोपड़ी में तेल बनने की प्रक्रिया सामान्य हो जाती है और सर के ऑयल ग्लैंड खुल जाते हैं। इससे कंघा करने से सिर दर्द में आराम मिलता है, यह सिर में ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करती है, यह एक प्राकृतिक कंडीशनर का काम भी करती है। यह तेल को बालों में पूरी लंबाई तक समान रूप से वितरित करती है, जिससे बाल चमकीले नजर आते हैं। यदि आपके बालों में बहुत अधिक डैंड्रफ है तो इस कंघी का इस्तेमाल करें, इससे बालों के ऑयल ग्लैंड्स खुलते हैं और स्कैल्प ड्राई नहीं होता, जिससे और बाल स्मूथ रहते हैं, जिससे कि आपको स्कैल्प ड्राई होने से डैंड्रफ की समस्या होती है उससे आप बचे रहेंगे। दोस्तों, जिन लोगों की स्कैल्प बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो उनके लिए लकड़ी की कंघी का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद रहता है। गीले बालों को संवारना है तो लकड़ी की कंघी का इस्तेमाल करें, इस तरह से टूटने नहीं देती। ये समय है अपने बच्चों को अपनी पुरानी संस्कृति, अपनी पुरानी विरासत देने का दोस्तों, जिससे वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और स्वस्थ रहें। आज हम चाहे जितना भी पढ़ लिख गए हों, जितना भी अपने आप को मॉडर्न कहते हों, मगर हमारे जो ज्ञान हमारे पूर्वजों का था वो हमने खो दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप आज से ही वुडन कोम्ब यानी लकड़ी की कंघी के फायदे को पहचानेंगे और इसे आज से ही अपनाएंगे। तो दोस्तों, आपकी इसमें कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगने वाली नहीं है, जाइए एक लकड़ी की कंघी लेके आइए। आप जो प्लास्टिक का कंघा, आई एम श्योर कि आप प्लास्टिक का कंघा ही यूज़ कर रहे होंगे घर में, उसे फेंकिए, आज से लकड़ी का कंघा इस्तेमाल करना शुरू करिए और फिर देखिए आपको सिर में क्या क्या आपको राहत मिलती है। आपको सिर दर्द से राहत मिलेगी, आपको डैंड्रफ से राहत मिलेगी, आपके बाल चमकीले होंगे और क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं आप ही हमें बताइए। हम कमेंट बॉक्स हमारा खुला है आपके लिए, आप अपने अनुभव जरूर शेयर करिए और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आपके साथ साथ आपके साथी भी, आपके मित्रगण भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो दोस्तों, शीघ्र ही मिलेंगे एक नए वीडियो में, जिसमें एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आयुर्वेद में उसके बारे में क्या कहना है ये भी डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।